हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमिनो का क्षारकीय गुण। ठीक है, तो ये एमीन चैप्टर की सिक्स वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो क्षारकीय गुण है तो क्षारकीय गुण क्यों दिखाते हैं और इसकी जो क्षारीयता है तो अमोनिया से कंपेरिजन करते हैं तो फिर इसकी क्षारीयता कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं एमीनो का क्षारकीय गुण। पहले इसकी संरचना देखते हैं। एमीन होते हैं आर एनएच2, ये प्राथमिक एमीन हमने लिया है, इसकी चर्चा करते हैं। प्राथमिक एमीन देखें, नाइट्रोजन जो एटम है तो इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देख के उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो पहले तो इसके कारण ये जो है सक्रिय होता है। दूसरा, हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है और नाइट्रोजन ऋण विद्युतीय तत्व, तो धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्व, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में कहने का मतलब अंतर हो गया काफी, तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण भी जो है ये एल्किल एमीन होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। तो क्रियाशील में ये इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखते हैं, अर्थात ये क्षारकीय गुण रखते हैं, पहली बात तो यहीं से। दूसरा, इनकी रिएक्शन देख लेते हैं, वहां से बता सकते हैं कि जो एल्किल एमीन होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, कैसे देखते हैं। जब एल्किल एमीनो की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड अर्थात जो है हाइड्रोजन अम्लों से कराते हैं तो ये क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तो वहीं से हम बता देते हैं कि ये क्या है, ये क्षारी प्रगति के हैं। तो एल्किल एमीन आर एनएच2 लिखते हैं, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, इनके हाइड्रोजन हैलाइड से रख दिया गया है, यानी एच सी लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एच बिया लेंगे हाइड्रोक्रोमिक अम्ल और एच बिया एच आई लेंगे हाइड्रोजन आयोडिक अम्ल, तो यानी हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों से अगर इनकी हम क्या कराएंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये साल्ट बनाते हैं। तो वास्तव में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके और ये एच सी बना लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पॉजिटिव से ये हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाता है, तो कुल मिला के साल्ट क्या बनता है, आर एन एच थ्री और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और एक्स एक्स पे नेगेटिव, ये बन जाता है साल्ट। तो ये क्या करते हैं, अम्लों से ये अमोनिया है, ये एल्किल एमीन है, तो ये किससे क्रिया करेंगी, अम्ल, ये एसिड्स हो गए, तो अम्लों से क्रिया करते हैं, तो अम्ल से कौन क्रिया करता है, क्षार क्रिया करते हैं, तो फिर साल्ट होता है, तो इस हिसाब से क्या हो गए, ये हो गए बेस। ठीक है, दूसरा ये जो कह लीजिए अकार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं, तो ये खनिज अम्लों से भी क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, तो जिसके कारण हम ये कहते हैं कि जो एल्किल एमीन है वो क्षारकीय प्रकृति का बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो इनका ये बेसिक नेचर है, तो ये प्रकृति में क्षारकीय है। अब क्षारकीय जब होते हैं तो फिर इनकी क्षारकता कैसी होती है, क्षारकता कितनी होती है, तो फिर उसके बारे में हम इनकी चर्चा करेंगे। तो क्षारकता इसकी हम अमोनिया क्षारक होता है तो अमोनिया से हम इसकी तुलना भी करेंगे, तो अमोनिया से तुलना करने के बाद ये जो एक चीज हम और देखेंगे इसी रिएक्शन में, जो साल्ट है इनकी जब आप प्रबल क्षारों से क्रिया कराएंगे, प्रबल क्षारों के साथ जिनको घटित कराएंगे एनएच, तो ये फिर से जिस एमीन से बने हुए हैं ये साल्ट उसी एमीन को पुनः बनाते हैं, यानी कहते हैं कि अपनी ये मात्र एमीन को पुनर्जनित करते हैं, तो जब एनएच से फिर से इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये आर एन एच थ्री है, ये आर एन एच टू में ब्रेक हो जाएगा, आर एन एच टू और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा इस OH के साथ में, जल बनाएगा और ये जो सोडियम बचा इस हैलाइड के साथ सोडियम हैलाइड यानी NaX बनाएगा। तो अमोनी जो एल्किल एमीन है वो अम्लों से क्रिया करके साल्ट बनाते हैं, उनकी प्रबल क्षार से पुनः अगर क्रिया कराई जाए तो क्रिया क्या करते हैं, वो फिर से पुनः मात्र एमीन को यानी जो जिस एमीन से वो बने थे लवण उसी एमीन को पुनः वो बनाते हैं, यानी रिवर्सल प्रोसेस ये दिखाते हैं। तो ये हो गया, तो अब हम देखते हैं कि इनकी तुलना अगर हम करें अमोनिया की क्षारकता के सापेक्ष तो क्या तुलना कंपेरिजन अगर क्यों देखें, कंपेरिजन
बिटवीन अमोनिया एंड एल्केन वो भी हम कंपेरिजन काहे की कर रहे हैं, इनकी बेसिसिटी की कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी इनकी जो है क्षारकता की कंपेरिजन। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए आर एस टू तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसी के कारण ये क्या होते हैं क्षारकीय गुण दिखाते हैं। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे आर एन एच थ्री और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यानी ये क्या बनाएंगे ये धनायन बनाएंगे। दूसरा हाइड्रोज ये अमोनिया है तो ये एच एन एच टू इसको हम लिख सकते हैं एच एन एच टू इसमें जोड़ देंगे एच थ्री बन जाएगा ये अमोनिया। ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बनाएंगे एन एच फोर यानी अमोनियम आयन बनाएंगे। इधर जो एल्किल ग्रुप लगा है इसका नेचर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसका नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। तो इधर ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, इधर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और इनको एल्किल की तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है एल्किल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण इनकी जो है क्षारकता बढ़ जाती है। और तो जब इनकी क्षारकता बढ़ जाएगी तो यहीं से आप कह देंगे इन रिएक्शन के माध्यम से कि एल्किल एमीन जो होते हैं वो अमोनिया से एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन आपने दिखाया तो अगर कहीं हमको एल्किल एमीन मिल जाए और उसकी अमोनिया से हमको कंपैरिजन करना पड़े तो आप कहें कि अमोनिया अधिक क्षारकीय या एल्किल एमीन, तो आप कहेंगे एल्किल एमीन अधिक क्षारकीय, कौन अधिक क्षारकीय है एल्किल एमीन। ठीक है क्यों है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्किल समूह लगा हुआ है। ठीक एक बात ये होगी तो ये अगर अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ये तो है प्राथमिक। अब अगर इनके हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए जाए यानी आर आर एन एच ये आर टू एन एच हो गए, ये आर एन एच टू हो गए, ये आर टू एन एच हो गए और ये हो गए आर थ्री एन आर थ्री एन। ठीक तो अब इनमें कौन अधिक क्षारकीय होगा यानी प्राथमिक द्वितीय तृतीय में कौन अधिक क्षारकीय होगा। ठीक है तो इनमें क्या होता है इनमें देखिए ये एल्किल ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इधर देंगे इधर इलेक्ट्रॉन देंगे इधर इलेक्ट्रॉन देंगे इधर इलेक्ट्रॉन देंगे इधर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन इनको किसी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह की उपस्थिति में जो NH2 ग्रुप है इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी। तो कहने में का मतलब है कि जो द्वितीय एमीन है वो प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारकीय होंगे और तृतीय एमीन द्वितीय एमीन से अधिक क्षारकीय होंगे। ठीक है तो एक बात आपको लेकिन यहीं पे एक और बात है ये जो आपने बताया है ये सिर्फ गैसीय अवस्था में ये क्रम लागू होता है। किस अवस्था में लागू होता है गैसीय अवस्था में। एल्किल एमीनो की गैसीय अवस्था में क्षारकता एल्किल एमीनो की गैसीय अवस्था में क्षारकता का ये क्रम होता है यानी एल्किल एमीन जो है तो प्राथमिक एमीन सबसे कम क्षारक द्वितीय एमीन से ज्यादा क्षारक तृतीय एमीन से भी ज्यादा क्षारक। लेकिन अगर ये बात कहें आप जलीय विलय में जलीय विलय में ये क्रम नहीं होता है जलीय विलय में क्रम बदल जाता है। क्यों बदल जाता है उसका पहले कारण देख लीजिए फिर बताते हैं क्रम क्यों बदल जाता है। देखिए जलीय विलय में क्या होता है जलीय विलय में ये आर एन एच या एन एच टू हमने लिखा हुआ है। तो जलीय विलयन में जब इसको हम जलीय जल में घोलेंगे तो ये क्या करेंगे ये हाइड्रोजन ये जल के साथ हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। तो जल के साथ अगर हम लिखते हैं एच टू तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा ये हाइड्रोजन ये भी दूसरे जल के एच टू के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ये नाइट्रोजन जो है तो ये क्या करेगा ये हाइड्रोजन के साथ में आयन बनाएगा हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन। तो इसमें ये हाइड्रोजन का जल के अणु का हाइड्रोजन आयन बना के एमीन अणु से जुड़ना ये कहलाता है विलायक योजन प्रभाव। क्या कहलाता है विलायक योजन प्रभाव।
तो जब इसका विलायक नियोजन जब ये इससे जुड़ जाते हैं तो इन पे जो है क्या होता है पॉजिटिव चार्ज पर डेवलप करने लगते हैं। इधर द्वितीय एल्कोहल में क्या होगा, द्वितीय एमीनो एल्कोहल में सॉरी एमीनो, इधर NH लिखा हुआ है NH, तो ये क्या करेंगे ये एक जल से हाइड्रोकार्बन बनाएंगे और इसका जो ये दूसरे ये हाइड्रोजन के साथ में बनाएंगे तो इससे कम धनात्मक। तीसरा है तृतीय, अब इनके साथ अगर आप देखें तो ये सिर्फ जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ में हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो इधर आप ये देख सकते हैं कि पहली बात तो इसे विलायक योजन जो है प्रभावित हो जाता है। तो विलायक में क्या होता है ये जल के अणुओं के साथ में क्या करते हैं अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ आबंध बना सकते हैं। अब इस स्थिति में जब इन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तब क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तब इनका जो है अधिक बड़े आकार वाला अधिक स्थायी होता है, तो ये अधिक स्थायी होगा, ये अधिक स्थायी होगा, ये यदि इससे कम या इससे कम। अब जो है अब क्षारकता इसकी बढ़ जाएगी, इस स्थिति में क्या होगा जो प्राथमिक है इनकी क्षारकता सबसे अधिक, द्वितीय की क्षारकता सबसे कम, द्वितीय की क्षारकता इससे कम, तृतीय की क्षारकता सबसे कम। तो प्राथमिक में अब ये जो हो गया आपने गैसीय अवस्था बताया था, तो गैसीय अवस्था का यहाँ पे क्रम हो गया उल्टा, गैस अवस्था में तृतीय केमीन सबसे ज्यादा क्षारक थे, अब विलायक विजन प्रभाव के कारण जली विलयन प्राथमिक एमीन है वो सबसे ज्यादा चार, ठीक है। तो यही इसके इसी के आधार पर हमने डिसाइड, इसमें दो और चीजें हैं, इसमें एक चीज ये है त्रिविम प्रभाव, जैसे यहाँ पे मेथिल मेथिल लगे हुए तब तो ये आसानी से जुड़ जाएंगे, अगर यहाँ पे ग्रुप बढ़ा दिया जाए एथिल ग्रुप यानी कार्बन परमाणु की श्रृंखला अगर बड़ी कर दी जाए तो फिर जल के जुड़ने में त्रिविम बाधा आएगी। त्रिविम बाधा की कहने का मतलब जो एल्किल समूह, एल्किल समूहों का आकार बढ़ने पर विलायक नियोजन होने के लिए क्या होती है अणुओं में त्रिविम बाधा उत्पन्न होने लगती है, जब त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी तो जल का नियोजन विलायक नियोजन उतना ही कम होगा, तो जिसके कारण इनका क्रम और भी ज्यादा गड़बड़ होता है। तो फिर इनका क्रम क्या बनता है उसको हम देखते हैं, मेथिल एल्कोहल के केस में इनका क्रम सॉरी मेथिल समूह की उपस्थिति के क्रम में इनका क्रम फिर उलट जाता है और इनका क्रम क्या बनता है वो देखते हैं। उसमें फिर जो डाइएल्किल यानी CH3 का फोर प्राइज NH ये सबसे अधिक हो जाते हैं किसकी अपेक्षा में प्राथमिक की अपेक्षा CH3 NH की, और इनसे कम किसका होता है तृतीय का, CH3 क्योंकि तृतीय में तीन बाधा उत्पन्न हो जाती है CH3 N, और फिर ये किससे कम होते हैं ये कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका मेथिल एल्किल समूह R होने के केस में, ठीक है। ये है इनकी कंपैरिजन अमोनिया से, तो कहने का मतलब है जो एल्किल एमीन होते हैं वो वास्तव में अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं और गैसीय अवस्था में प्राथमिक एमीन सबसे अधिक क्षारकीय, द्वितीय की उनसे कम, तृतीय उससे कम, लेकिन जो जल यानी जलीय विलयन की प्रावस्था है उसमें अमोनिया और इनका क्रम बिल्कुल बदल जाता है, जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो अगर मिथिल ग्रुप लगा हुआ है छोटा समूह लगा हुआ है तो उसमें द्वितीय एमीन सबसे ज्यादा, फिर उसमें प्राथमिक एमीन, तीनों एल्किल समूह होने पर प्राथमिक एमीन उससे कम और फिर तृतीय के एमीन से कम और उससे भी जो कम कौन अमोनिया, तो ये क्रम है। और अगर आप एथिल में लेते हैं तो एथिल में क्रम क्या बनता है, एथिल में जब आप ले लेंगे एथिल में क्रम बन जाता है द्वितीयक सबसे ज्यादा, यानी एथिल ले लेंगे तो C2H5 बनेगा, C2H5 का फोर ट्वाइज NH और इससे कम हो जाएगा तृतीय के लिए CH3 का फोर ट्वाइज N और इससे कम प्राथमिक यानी CH3 N H2 और इससे भी कम कौन हो जाएगा, ये हो गया एथिल का। तो मेथिल और एथिल ग्रुप बदल जाने पर इनके समूह बदल जाने पर इनका क्रम बिल्कुल अलग आता है, जिसको प्रैक्टिकल करके जिसको देखा जा सकता है, निकाला जा सकता है, क्रम हमने आपको लिख दिया है, इस क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात
ये तो कंपैरिजन बिटवीन अमोनिया और एनपीडब्ल्यू हमने किया है। अब हम कंपैरिजन करना चाहते हैं अमोनिया और एरे इलेवेंट के, किसके बीच में, अमोनिया और एरे इलेवेंट। एरे इलेवेंट क्या होते हैं, मतलब है बेंजीन, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर एच2 ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग पर जब एच2 समूह लग जाता है तो फिर ये क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन ये देता है अनुनाद के लिए, तो ये अनुनाद बनाता है। ठीक है, तो अनुनाद जब बन जाएगा तो अनुनादी के कुल पांच अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। अनुनादी संरचनाएं जिसकी जितनी अधिक होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो जब ये स्थायी हो जाएगा तो फिर ये किसी से प्रोटॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, जब प्रोटॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का स्तर नीचे कम हो जाएगा तो फिर ये अमोनिया से कम क्षारीय हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जो एरिल एमीन है, एरिल एमीन RH2, इसका एग्जांपल ले लेते हैं C6H5+ जो एरिल एमीन है C6H5+, तो ये क्या होता है, ये अमोनिया से कम क्षारीय होता है NH3। ये क्यों कम क्षारीय होता है, अनुनाद के कारण, क्योंकि जो एरिल एमीन है ये पांच अनुनादी संरचनाएं बनाकर स्थायी हो जाता है, प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके कारण जो एरिल एमीन की क्षारकता अमोनिया से कम हो जाती है। ठीक है, एक तो ये बात, और एक तो ये बात आपको समझ में सीधी सीधी। दूसरी बात कि अगर प्रतिस्थापित समूह लगे हुए हैं, प्रतिस्थापित समूह लगे हुए हैं एरिल एमीन, तो प्रतिस्थापित समूह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच है, जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है या ईथर ग्रुप लगा हुआ है या एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ में, तब तो इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ग्रुप लगे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है, COOH ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, इस तरह के अगर ग्रुप लगे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, इस तरह के ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो फिर इसकी जो है क्षारकता और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इसको हम हिंदी में कहेंगे डोनेटिंग को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अपनायक, और इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को कहेंगे इलेक्ट्रॉन उपनायक। यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन जो उपनायक समूह है वो लगे होने पर इसकी एरिल एमीनों की क्षारकता और कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले यानी इलेक्ट्रॉन अपने समूह अगर लगे हुए हैं तो फिर इसकी क्षारकता क्या होती है, तो फिर इसकी क्षारकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी अमोनिया से एरिल एमीनों और एल्किल एमीनों की कंपेरिजन। तो कुल मिला के फाइनल बात ये निकल आई कि जो एल्किल एमीन है या एरिल एमीन है वास्तव में क्षारी तो होते हैं, लेकिन जो एल्किल एमीन है वो अमोनिया से अधिक क्षारी होते हैं और जो एरिल एमीन है वो अमोनिया से कम क्षारी होते हैं। ठीक है, तो ये है, तो इनके क्षारी गुण है, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे, एल्किल एमीनों की लेंगे केमिकल रिएक्शन, जो अन्य रासायनिक गुण है उनको देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको तैयार करिए, धन्यवाद।